हाय फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दिव्या, मैं विकास, और हम हैं बेफिक्र। और आज हम लोग आए हुए हैं अटलांटिस सिटी पे, न्यू जर्सी के अंदर। बिल्कुल। और अभी हम लोग हैं ब्रॉड वॉक पे, जो यहाँ की बहुत ही फेमस प्लेस है, और आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या मस्ती और धमाल हो रहा है। तो चले, बहुत अच्छा हो रहा है। बिल्कुल। और आज है संडे, तो संडे को यहाँ पर बहुत ही ऑसम क्राउड है और बहुत ही जबरदस्त इवेंट्स हो रहे हैं। हम लोग रह रहे थे न्यू जर्सी स्टेट्स में, प्रिंस्टन जंक्शन में, और वहाँ से हम लोग आज आए हैं अटलांटिक सिटी। जो अटलांटिक सिटी है वो लगभग अराउंड 85 माइल्स अवे था उस वहाँ से, और हमें लगे 1 आवर 45 मिनट्स। हमने यहाँ पहुँचने के लिए कंट्री साइड रोड लिया था, बिकॉज हम लोग चाहते थे एक नया एक्सपीरियंस करना। तो रोड वॉज ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत था, और जिस तरीके से छोटी छोटी विलेज, छोटे छोटे फार्म्स और काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिली, बहुत ही अलग और एक यूनिक एक्सपीरियंस था। और हमारी तो रिकमेंडेशन है कि अगर आप US आते हैं तो अटलांटिक सिटी में ज़रूर आए, और कब आप आते टाइम ये जो कंट्री साइड रोड है इसको ज़रूर ले, बिकॉज एक अलग एक यूनिक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और यहाँ के जो कंट्री साइड की तरफ से जो घर बने हैं, कितने ब्यूटीफुल है, फार्म्स है, और किस तरीके से ये लोग कैटल फार्मिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। अब आपको लेके चलते हैं बीच साइड पे, और यहाँ का दिखाते हैं बीच। सो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू द बीच। देखते हैं कैसा बीच है यहाँ का, एंड हमें मज़ेदार लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी साइड पे। सो दिस इज द वे हम लोग बीच की तरफ बढ़ते हुए, और थोड़ा टाइम बीच पे स्पेंड करेंगे और फिर वापस वहाँ पे चलेंगे। आज दिखाते हैं संडे लोग बीच पे कैसे एंजॉय करते हैं। सो आप देख सकते हैं पीछे से, बीच पे बहुत अच्छा मौसम है आज, बिल्कुल गर्म नहीं है, ठंडी ठंडी हल्की हल्की ब्रीज चल रही है, एंड यहाँ की सैंड भी ऐसी नहीं है। बीच पे आप देख सकते हैं बीच, ये है अटलांटिक सिटी का बीच। अमेजिंग वाइब्स, बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, और पीपल आर जस्ट एंजॉयिंग, वी आर एंजॉयिंग दिस ब्यूटीफुल वेदर। एंड ज़्यादा दूर नहीं है, अगर आप दिस इज़ इन द न्यू जर्सी स्टेट, एंड काफ़ी ज़बरदस्त जगह है। काफ़ी लोग वीकेंड पे आना पसंद करते हैं, और अभी मेमोरियल डे आ रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे ज़बरदस्त इवेंट्स हो रहे हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ कैसिनोज एंड नाइट क्लब्स, जो रात को आपकी ज़बरदस्त धूम मचा देंगे। अटलांटिक सिटी का ब्रॉड वॉक ये बहुत ही फेमस है, एंड यहाँ पर दूर दूर से लोग घूमने फिरने आते हैं, बिकॉज यहाँ पर ब्यूटीफुल बीचेस हैं, और यहाँ पर आपको फ्रेश एयर मिलेगी, और इसी ब्रॉड वॉक पे आपको बहुत सारे लग्जरियस रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, होटल्स मिलेंगे, और बढ़िया बढ़िया शॉप्स मिलेगी। ये यहाँ के टूरिस्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, और यहाँ पर बहुत ही आपको टूरिस्ट दिखेंगे। जैसे मैंने बताया कि आज संडे है, और संडे के दिन आपको ज़्यादातर जो आसपास के स्टेट्स के जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर आते हैं, और बिकॉज संडे था तो हमें यहाँ पर एक लाइव म्यूज़िक कॉन्सर्ट भी देखने को मिला। और देखते हैं कि हमें वहाँ पर एंट्री मिलती है या नहीं, और अगर फ्री एंट्री हुई तो घुस जाएंगे, और अगर रिजर्व एंट्री हुई तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। तो आगे वीडियोज़ में जैसे चलते हैं आपको वो बताते हैं। और यहाँ पर लोगों को देख के लग रहा है लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, और अटलांटिक सिटी को कंपेयर भी किया जाता है, बोलते हैं मिनी लॉस वेगस,
बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे पैटियोज़ हैं, ओपन पैटियोज़ हैं, आप काफ़ी वहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह अपने इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे दैट्स बेस्ट थिंग कि इट्स अ पेट फ्रेंडली प्लेस। मैं काफ़ी जगह देखा काफ़ी लोग अपने पेट्स को लेके घूम रहे हैं, तो इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू विजिट वंस यू आर इन US। और मेरे दोस्तों ने बताया था कि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया कसिनो है, और यहाँ के जो कसिनो है वो वर्ल्ड फेमस है, और यहाँ के कसिनो जो होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, और उसके अंदर काफ़ी टाइप की गेम्स ऑप्शन होती हैं वहाँ पे आप, और फैसिलिटीज़ भी होती है। और ये जो ट्रॉपिकल कसिनो, उसके बारे में काफ़ी मेरे दोस्तों ने बताया था, और उसकी आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू भी हो गया, ये मार्केट प्लेस भी आ पता चल रहा है कि कितना अंदर अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और कसिनो के नेक्स्ट जो ये है, दिस इज़ अ ट्रॉपिकल रेस्टोरेंट, तो यहाँ पर हमें पिज़्ज़ाज और काफ़ी चीज़ें मिल सकती है खाने पीने के लिए, बट अभी हम खाने में के मूड में नहीं है, अभी हम कसिनो के अंदर जाके कुछ खेलने के मूड में है। तो ये जो ब्रॉडवे पे ही आपको इसकी एंट्री मिल जाती है कसिनो की, इसकी दो एंट्री है, एक तो ब्रॉडवे की तरफ से, एक रोड की तरफ से। और अगर आप आ रहे हैं तो इसकी ट्रॉपिकल कसिनो की पार्किंग में भी लगा सकते हैं, और अगर आप वहाँ पे कसिनो में कोई गेम खेलते हैं तो पार्किंग आपके लिए बिल्कुल फ्री हो जाती है। तो चलो दोस्तों अंदर चलते हैं और हम लोग भी कुछ गेम खेलते हैं, और आपको भी दिखाते हैं कि ट्रॉपिकल कसिनो अंदर से है कैसा और हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ का। बिल्कुल, कसिनो की एंट्री बिल्कुल फ्री है, तो आपको एंट्री करने के लिए कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ता, और कसिनो के अंदर काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको यहाँ पर हर एक तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगी, यहाँ पर टेबल गेम, स्लॉट गेम, लाइव एंटरटेनमेंट, हर चीज़ का इंतज़ाम है। सो आपने देखा ही आसपास कितनी भीड़ थी, एवरीबडी वॉज बिजी इन प्लेइंग द गेम्स, तो हमने भी सोचा कि अपनी किस्मत अजमाई जाए और कुछ पैसे का दांव लगाया जाए, और देखा जाए हमारी किस्मत में कि क्या हम इस गेम में जीत सकते हैं या नहीं। बिकॉज थोड़ा तो आए है तो हमें पता है वैसे तो हम हारने वाले हैं, बिकॉज भाई जुए में कोई जीतता नहीं है, बट जस्ट फॉर एक्सपीरियंस हम लोगों ने सोचा कि इस चीज़ का एक्सपीरियंस लिया जाए, और इनमें से कोई भी एक गेम जो सबसे आसान हो, जिसे हम आराम से खेल पाए, उसमें थोड़ा पैसा लगाया जाए और उस चीज़ का एक्सपीरियंस लिया जाए। तो इसीलिए मैंने और दिव्या ने ये खेलने का सोचा। तो विकास जी पहुंच चुके हैं कसिनो के अंदर, और गेम शुरू करने वाले हैं। और कितना मिलेगा अगर जीत गए तो? तुमको क्या लगता है खेलना चाहिए? अभी हम लोग हैं ट्रॉपिकल कसिनो के अंदर, आप देख सकते हैं दिस इज द एंट्री ऑफ आवर कसिनो, और अभी हम लोग थोड़ा और एक्सप्लोर कर रहे हैं कसिनो के एरियाज के, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ शॉप्स, सो उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं और देखते हैं क्या क्या होने वाला है, बिकॉज मज़ा तो आ रहा है। एंड लॉस वेगस जा नहीं पाए तो हमने सोचा अटलांटिक सिटी, विच इज़ अ मिनी कॉल मिनी लॉस वेगस, सो इसका इस यहाँ पर आया जाए और यहाँ पर इंजॉय किया जाए। तो पीपल आर बहुत मज़े कर रहे हैं, और आज संडे है जैसे मैंने बताया, तो मस्ती हो रही है। ट्रॉपिकल कसिनो बहुत ही बड़ा है, और यहाँ कसिनो में गेम खेलने के अलावा आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हमने सोचा कि अब हम लोग थोड़ा कसिनो से बाहर भी निकले और एक्सप्लोर करें और देखें कि यहाँ कसिनो के अलावा और क्या है, बिकॉज हमारे दोस्तों ने और हमारे फ्रेंड्स और फैमिली वालों ने बोल रखा था कि कसिनो के अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं, और इट्स लुक लाइक अ मिनी मिनी सिटी, एग्जैक्टली विद इन अ सिटी कह सकते हैं, तो इसे एक्सप्लोर करने यहाँ पे बहुत सारे शोरूम्स हैं, और उस टाइम पे काफ़ी जगह सेल लगी हुई थी, तो जैसे अब यहाँ पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या सेल में था। तो देखिए दोनों तरफ आपको शॉप मिल जाएगी जहाँ पर बढ़िया बढ़िया सेल्स लगी हुई है, हाई एंड सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल हैं, और बहुत ही खूबसूरत बना रखा है, और बिल्कुल ट्रॉपिकल जो थीम है उसका पूरा ध्यान रखा गया है। यस, और
ये जो शॉप्स है वो हर एक लोगों के हिसाब से रखी है, बच्चों के लिए भी कुछ कैंडी शॉप्स खोल रखी है, तो बड़े लोगों के लिए भी क्लोथ की शॉप खोल रखी है, और यहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी है, काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। बिल्कुल। तो एंड बेस्ट पार्ट ये था कि इस टाइम पे अच्छी सेल लगी हुई थी, तो हमने भी सोचा कि अगर सेल में कोई अच्छी चीज़ें मिल जाए तो पिक कर लेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ट्रॉपिका का अपना होटल भी है, और उस होटल में काफ़ी लोग स्टे भी करते हैं। अगर आप उस होटल को टाइमली बुक करा लो, लाइक 3-4 महीने पहले बुक करा लो, तो काफ़ी रिजनेबल आपको वो होटल के प्राइसेस पड़ जाते हैं, और आप लोग भी इस होटल में रुक के काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। ट्रॉपिकल कैसीनो से बाहर आ चुके हैं दोबारा से ब्रॉड वॉक पे, एंड वी आर मूविंग अगेन कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट कि यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। द नॉर्थ फेस की ये हुडी खरीदी थी बिकॉज थोड़ी सी ठंडी लग रही थी, तो मुझे लगा कि ये ले लेनी चाहिए, और अगर रात को ठंडी हो जाए। अच्छे से दिखाओ पूरी हुडी अपनी। ओके, आई लाइक द कलर। आई लाइक द कलर एंड आई लाइक रियली नाइस। और ये हमको मिली $15 की, नॉट अ बैड डील। गाइस, वी गॉट दिस विद आवर सुपर हीरो फेसेस। या हमने इस कॉन्टेस्ट से पार्ट लिया एंड वी विन, हम लोगों दोनों ने जीता, और हम लोगों को अपने मेरे को सुपर हीरो विद माई फेस, दिव्या को मिला रनर विद दिव्या का फेस। तो इट्स रियली अमेजिंग। और चलते हैं और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, तो लेट्स गो। अभी हम आ चुके हैं हार्ड रॉक कैफे कैसीनो के अंदर। ये यहाँ का बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़ा कैसीनो है, और यहाँ तो डेफिनेटली आना बनता था, बिकॉज मैं और दिव्या तो हार्ड रॉक कैफ़े के बड़े फ़ैन हैं, तो हमने सोचा कि यहाँ के कैसीनो को भी देखा जाए और यहाँ पर आके लंच किया जाए, और यहाँ की ड्रिंक्स तो फेमस है तो ड्रिंक्स भी ली जाएगी। तो दिस इज़ सम ऑफ द व्यू जब कैसीनो का दिखता है। दीज आर ऑल द स्लॉट गेम्स, जिस तरीके से काफ़ी लोग स्लॉट गेम्स को पसंद करते हैं तो वो यहाँ पर खेलने आ सकते हैं। एक ही राउंड में एक ही चांस मिलेगा क्या? हाँ ओके मुझे पता ही नहीं करना खेलती हुई बस अभी। तो यस यू विन। ओ वाओ, एक बारी और दिव्या जी। नहीं इस बार ही नहीं आया तुम्हारा। ओ तुम जीत गई दोबारा से 5। वाओ ट्राई अगेन। करो अब पैसे हारने के बाद चलते हैं कुछ खाने पीने के लिए, एंड वी आर मूविंग टूवर्ड द हार्ड रॉक
कैफे रेस्टोरेंट्स और वहाँ पर बैठ के कुछ अच्छा खाया जाए और इन्जॉय किया जाए। ड्रिंक्स आ चुकी है, मैंने बनाई है ब्लू मॉन, मैंने बनाई है बामा रामा लाइक कॉकटेल, एंड एंजॉय करते हैं हम लोग अपनी ड्रिंक्स को हार्ड रॉक कैफे। आई थिंक ड्रिंक्स वाज ऑसम, हार्ड रॉक की तो ड्रिंक्स हमेशा ही मस्त होती है। आ चुके हैं हमारे नेचो, विद वन नाइट एट बैंकॉक श्रिम्स, दोनों चीज़ें हमारी आ चुकी है फाइनली, बिकॉज यहाँ बहुत भीड़ है तो काफ़ी देर वेट करनी पड़ी, पर वेट करने के बाद फाइनली वी गॉट व्हाट वी वांट। वाह वाह, मज़ा आने वाला है। कैसा लग रहा है? कैसा अच्छा है, बढ़िया, एंजॉय द फूड। सो गाइस खाना ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, सो बाय। हार्ड रॉक कैफे बहुत ही फेमस है यहाँ पर लोकल्स के लिए भी और टूरिस्ट के लिए भी। और क्या आपको मालूम है कि हार्ड रॉक कैफ़े का पुराना नाम क्या था? इसका नाम पहले था ट्रंप ताज महल। हाँ जी, ट्रंप ताज महल, और ये जो आपको पता है फेमस ट्रंप ने खरीद रखा था, अभी इसका नाम चेंज हो गया है, अब इसका नाम हो गया है हार्ड रॉक कैफ़े होटल एंड कैसीनो। तो दिस टाइप ऑफ द फैक्ट्स तो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि अगर आप इस कैसीनो में आते हैं और आप गेम खेल रहे होते हैं तो जितनी भी ड्रिंक्स होती है वो आपके लिए फेमस होती है, फ्री होती है और उसके लिए आपको पे करना नहीं पड़ता। और यहाँ की कार पार्किंग में भी आप गाड़ी लगा सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे गेम खेल रहे हैं तो कार पार्किंग आपके लिए एब्सोल्युटली है, यू डोंट हैव टू पे फॉर योर कार पार्किंग ऑल्सो। तो आज का अटलांटिक सिटी का वीडियो है, हम लोग आज ही पे ख़त्म करते हैं। होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, छोटा सा वीडियो है, क्यूट सा वीडियो है, ज़्यादा हम शूटिंग नहीं कर पाए बिकॉज हम लोगों को भी अपना पर्सनल टाइम चाहिए था, तो इसीलिए। और होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो इसीलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरीके से हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो बाय।